ता कयामत शुक्र गोयम किद्र गारे हे शेरा आहागर मन बाज बीनम रूए यारे हे शेरा। मतलब कि एक बार फिर अगर मुझे मेरी जाना के दीदार हो जाए तो मैं ता कयामत खुदा की हम्द करूँ। ये अनारकली की कब्र पर लिखा हुआ है। अगर ये लिखा हुआ है तो अनारकली ज़रूर नहीं होगी, या ऐसा कोई कैरेक्टर उस ज़माने में रहा होगा और उसको बाद में अफसाने के तौर पे सुनाया जाने लगा। आप लोग ताजमहल गए? ओके। आप लोगों ने ये क्वेश्चन मुझसे नहीं किया कि ये बैठक रखने का जो मकसद था वो यही जगह क्यों पसंद की गई। और कौन जानना चाहता और ये बेगम ने उनकी बेगम ने उनके लिए बनवाया और ये थी और ओके। तो क्योंकि यहाँ दारा शिको की कब्र है ठीक पीछे ही, इसलिए इस इवेंट को यहाँ रखा। बुरहानपुर का जो किला है ताप्ती के किनारे बना हुआ है। मलिका दौरा मुमताज उल जमानी अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रहे हैं। हर जगह परेशानी का माहौल बना हुआ था क्योंकि पिछली रात से बेगम साहिबा को जो दर्द उठा वो थमने का नाम नहीं ले रहा। उनकी ख्वाबगा में उनकी बचपन की दोस्त और उनकी खास खादिमा सतीउन्निसा उनके साथ थी। उनकी सबसे बड़ी बेटी जहां आरा बेगम साहिबा उनके साथ थी और एक जनानी दाई और हकीम वहां मौजूद थी। कमरे के बाहर बादशाह शाहजहां परेशानी में यहां से वहां चक्कर लगा रहे थे। कभी अंदर से अच्छी खबर आती, कभी गम वाली खबर आती। इसी तरीके से पूरे बुरहानपुर में यही माहौल था। सारे कोर्ट और बाजार बंद कर दिए गए थे। सबको ये मालूम था कि बेगम साहिबा बहुत तकलीफ़ से गुजर रही हैं। बेगम मुमताज़ महल शाही महल में थी, उनको बहुत बुरी तरीके से दर्द हो रहा था। हकीम जो थी उन्होंने हर चंद कोशिशें की पर वो नाकाम रही। बेगम ने इससे पहले 13 औलादें और जनी थी पर इससे पहले उनको ये तकलीफ कभी नहीं हुई। बेगम साहिबा ने सतीउन्निसा की तरफ देखा। सतीउन्निसा बाहर चली गई और शाहजहां को अंदर ले आई। शाहजहां ने बेगम साहिबा का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद जो है बेगम साहिबा की तरफ रुक करके कहा, बेगम साहिबा आपको कुछ ना होगा। आरजू इससे पहले भी ये हुआ है, इस बार भी जो है कुछ ना होगा। बेगम साहिबा का कहना ये था कि इस बार दर्द हद से ज़्यादा बढ़ गया है, मैं अब सह ना पाऊंगी, अब मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी। आला हजरत उसे हर चंद उसका हाथ पकड़कर उसका हौसला बंधा रहे थे पर कुछ ना हुआ। जो जनानी हकीम वहां मौजूद थी उन्होंने आला हजरत को आंखें झुकाकर बाइज्जत के साथ उनको बाहर जाने के लिए बोला ताकि वो आगे की कार्रवाई करें। बाहर एक पूरा जमावड़ा लगा हुआ था सारी औरतों का, जितने ख्वाजा सरा, जितनी बानियाँ, जितनी लौंडियाँ और जितने रकासाएँ और जो भी महल के अंदर काम करने वाले खिदमतगार थे वो सब इसी तरीके से कान और आँख लगा के बैठे हुए थे कि कब कौन सी बुरी खबर जो है उनको सुनने में आ जाए। थोड़ी देर बाद एक खबर उस कमरे से निकली। एक साहब बेबदल खां साहब वो आए और उन्होंने चिल्ला कर कहा, जाए मुमताज जन्नत आबाद। इसका मतलब समझ आया आपको कि जाए मुमताज जन्नत आबाद। ये सुनते ही पूरे महल में रोने और चीखने की आवाज़ आने लगी। जितनी औरतें बाहर खड़ी हुई थी वो कमरे के अंदर दाखिल हो गई। आला हजरत शाहजहां को जैसे ही ये खबर मिली वो सुन हो गए, वो फौरन अंदर आए। अंदर आने के बाद उन्होंने मुमताज़ महल को देखा
और देखते ही रहे। कुछ देर देखने के बाद वो बाहर चले गए। ऐसा लगता था, अफसानों में आया है कि बेगम मुमताज़ महल मरने के बाद भी इस तरीके से थी कि कोई भी चित्रकार अगर चाहे तो उनकी बहुत अच्छी खूबसूरत तस्वीर उकेर सकता था। शाहजहाँ वहाँ से निकला और उसने अपने आप को फौरन अपने कमरे में बंद कर लिया। उसने ये भी ना देखा कि उसका बड़ा बेटा तारा शिको कहाँ रो रहा है, उसके बाकी बच्चे कहाँ रो रहे हैं। उसने अपने आप को कमरे में एक जगह बंद कर लिया। शाम होने को थी, बेगम साहिबा की मैयत जनाजा तैयार कराया गया। अब सिर्फ इंतज़ार इस बात का था कि शाहजहाँ कमरे से बाहर निकले तो जनाजे को कंधा दिया जाए और उसको मिट्टी दी जाए। बहुत देर हो गई, जनाजे को बादशाह सलामत के कमरे के बाहर रखा गया। बादशाह सलामत बाहर आने को तैयार नहीं थे। पहले बेगम जहां आ रहा कहीं उन्होंने कई बार खटखटाया, पर ख्वाजा सरा बसंत जो वहां बाहर मौजूद था उसने बेगम साहिबा को जाने के लिए कह दिया, क्योंकि उसको हुक्म ये था कि कोई भी आए उसको अंदर दाखिल ना होने देना। बेगम साहिबा वहाँ से गई। इतने में मुमताज़ महल के जो वालिद थे जनाब आसफ़ खां, जो सल्तनत के वकील और वज़ीर भी थे, वो आए, जबरन कमरे के अंदर दाखिल हुए और शाहजहाँ का हाथ पकड़ कर कहा कि मैं पाप हूँ फिर भी संभला हुआ हूँ, इतना कम भी ना मनाओ कि मुमताज़ वापस आ जाए। ये सुनना था कि शाहजहाँ बाहर आया और उसने थोड़ी देर के लिए मैयत को कंधा दिया, उसको रुखसत कर दिया गया। कुछ वक्त के लिए बुरहानपुर के किले में, किले के बाहर आहू खाने में बेगम साहिबा को दफनाया गया और फिर उसके बाद वहाँ से काफिला आगरा आ गया। शाही काफिला बुरहानपुर में जो कई महीनों से ठहरा हुआ था वो अकबराबाद आ गया। उस काफिले में शाहजहाँ, जहाँ आरा, रोशन आरा, मुराद बख्श, शुजा, औरंगजेब और दारा शिको, ये सारे बच्चे शाहजहाँ के साथ थे। आते ही शाहजहाँ ने फिर से अपने आप को कमरे में कैद कर लिया। ये वक्त सर्दियों का था, सर्दियाँ अपने पूरे उरूज पर थीं, कोहरा पूरे अकबराबाद को घेरे हुए था। इतना ज़्यादा कोहरा था कि आपको लाल किला भी नज़र न आता था। जब कई महीने बीत गए तो जहाँ आरा के कहने पर बादशाह सलामत कमरे से बाहर निकले। जब वो बाहर निकले तो पूरी तरीके से बदल चुके थे। जहाँ आरा ने जैसे ही अपने वालिद को देखा वो पूरी तरीके से देखकर सन रह गई कि कहाँ उसके वालिद की दाढ़ी काली हुआ करती थी अब एकदम अधपकी और सफ़ेद हो गई। उसने सीधा अपने वालिद से पूछा, अब्बा हुजूर कितना वक्त हुआ आपने आईना नहीं देखा। शाहजहाँ ने उसकी बात को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया और बाहर आया। कई महीनों बाद उसने सूरज देखा था। जैसे ही सबने शाहजहाँ को देखा तो शाहजहाँ जो जवानी में कमरे में दाखिल हुआ था वो बूढ़ा होके बाहर निकला था। उसके पूरे बाल, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई थी। अब बाहर आने के बाद वज़ीर आज़म आसिफ उसके पास आए। आसिफ खान साहब का कहना ये था कि सल्तनत का पूरा काम रुका हुआ है, आप इसी तरीके से अगर अपने आप को कैद रखेंगे तो सल्तनत का मटिया मेट हो जाएगा। कुछ वक्त बाद 19 जनवरी 1631 दीवाने खास आगरा में दरबार लगाया गया। मुमताज़ महल के मरने के बाद ये दरबार पहली बार लगाया गया था और इस दरबार में कई खास फैसले होने थे। एक फैसला ये था कि मुमताज़ महल की जो आखिरी ख्वाहिश थी कि उसके मरने के बाद एक ऐसा मकबरा बनवाया जाए जो दुनिया के लिए एक मिसाल हो, उसके लिए ऐलान होना था। तो सबसे पहले राजा मानसिंह के पोते मिर्ज़ा राजा जय सिंह को बुलाया गया, उनसे ज़मीन ली गई और ये हुक्म हुआ कि जमुना किनारे एक मकबरा बनवाया जाए। थोड़ी देर बाद एक हुक्म और हुआ कि शहजादे दारा शिको को एक नया लकब दिया जाएगा। ये लकब था शाह बुलंद इकबाल। पूरे दरबार में खुशी का माहौल हो गया, सबने शहजादे दारा शिको को मुबारकबाद दी। थोड़ी देर बाद तख्त के बाजू में एक पर्दे के पीछे शहजादी जहां आरा बैठी हुई थी उनको भी एक नया लकब दिया गया, बादशाही बेगम का। सबने पर्दे के पीछे जितनी बेगमात और जितनी शहजादियां थीं उन सब ने शहजादी को मुबारकबाद दी। बादशाही बेगम का जो लकब था दोस्तों वो बहुत बड़ा होता था, हमेशा मलिकाओं को ये लकब दिया जाता था। ये पहला ऐसा मौका था कि एक शहजादी को बादशाही बेगम का लकब दिया गया था। इसका मतलब ये था
कि जहां आरा का रुतबा बहुत बड़ा हो गया था उसके बाद सीधा शाहजहां का रुतबा था। थोड़ी देर बाद चौकदार ने नगाड़े पर तेज चोट करते हुए बुलंद आवाज में ऐलान किया कि बूंदी के मरहूम राजा जन्नत नशी रतन हांडा के फर्जंद राजकुमार राव शत्रुसाल आलम पनाह को नज़र पेश करना चाहते हैं, इसलिए दीवाने खास में हाजिर हो रहे हैं। सबकी नज़र वहाँ दरवाजे की तरफ चली गई। एक खूबसूरत नौजवान वहाँ से आता हुआ नज़र आया। ये बूंदी का नया राजकुमार था जिसको अब यहाँ पर राजा बनाना था। शाहजहाँ ने इसको नया लकब दिया राव का और ये राव शत्रुसाल के नाम से मशहूर हुआ। अफसानों में ये आया है कि ये राजकुमार इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि पर्दे के पीछे बैठी हुई जहाँ आरा की नज़रें जब उस पर टिकी तो वो एक टक करके उसे देखती रही। वो तो तब तक उसे देखती रही जब तक उसकी छोटी बहन ने उसको चुटकी काट कर उसको उसकी नज़रें भंग लाई। थोड़ी देर बाद जो है दरबार बर्खास्त कर दिया गया और सारे के सारे अपने घर चले। दोस्तों यहाँ तक समझ आया? मैंने दो सीन आप लोगों के सामने पेश किए। एक सीन सीधा मुमताज़ महल की डेथ का था और दूसरा सीन आगरा के अंदर जो दरबार लगा था उसका था। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ लें वरना मैं आगे बढ़ूँ। कई लोगों ने जो इस बात को जो है हिस्टोरियंस ने कहा है, कुछ लोग कहते हैं कि पूरे एक साल के लिए शाहजहां ने अपने आप को कैद कर लिया, कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ महीनों के लिए कर लिया, कुछ लोग बोलते हैं एक महीने के लिए कर लिया। इसलिए मैंने इस चीज़ पर कोई कमेंट नहीं किया कि वो कितना वक्त, बस ये कि जब वो बाहर निकले तो पूरी तरीके से बुरे हो गए। एनी क्वेश्चन, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं? ओके, क्योंकि ये पूरी बैठक दारा शिको और बेगम राणा दिल को जो है डेडिकेट है, तो बातें आगे उन्हीं की होंगी। और जब भी आप दो कैरेक्टर को लेके आप कहानी सुनाते हैं तो उसके आसपास का माहौल आपको बयां करना पड़ता है। ये उस कहानी की दरकार होती है और वो उस कहानी में जीवन डालते हैं। तो हमारे साथ वो कहानी लिखते हैं सर, ये बखूबी समझ सकते हैं वो कहाँ गए क्यों सर जी। तो बनारस के एक पंडित थे जिनका नाम था पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ दारा शिकोह को संस्कृत सिखाया करते थे और ये वो दौर था जब दारा शिकोह रामायण का पाठ करना सीख रहे थे। पंडित जगन्नाथ जैसे ही दारा शिकोह के दीवान खाने में दाखिल हुए तो उन्होंने दारा शिकोह को कॉर्निश बजाई। तो अब ये कॉर्निश क्या होता था? होता ये था कि जब भी कोई आएगा तो वो इस तरीके से जो है वो सलाम करेगा। जो बादशाहों को 7 बार सलाम करना होता था और जो शहजादे जो होते थे उनको 3 बार सलाम करना होता था, क्योंकि पंडित जगन्नाथ जो थे वो शहजादे के उस्ताद थे। तो वो जो है मतलब फिर भी जो है इज्जत के लिए किसी था तो वो शहजादा आने वाले कल का बादशाह बनने वाला था वो, तो उन्होंने 3 बार जिस तरीके से कॉर्निश बजाने के लिए हाथ नीचे झुकाया, नीचे झुकाई, तो शहजादा फौरन अपनी मसनद से उठा और उसने जो है पंडित जी का हाथ पकड़ लिया। ये कहते हुए कि आप पहले मेरे उस्ताद हैं, उसके बाद आप जो हैं पंडित जगन्नाथ। तो वो आए और उन्हें बिठाया गया और थोड़ी देर बाद जो उन्होंने अब ये जो छोटे छोटे शेर जो मैंने निकाले हैं बड़ी मुश्किल से मुझे किताबों से ये मिले हैं। पंडित जगन्नाथ ने आते ही जो उनको सबक दिया था वो उन्हें सुना और दारा शिकोह ने उन्हें एक शेर सुनाया जो सीता के ऊपर उन्होंने लिखा था। सीता के ऊपर दारा शिकोह ने एक शेर लिखा, वो कुछ यूँ था कि तनेशरा पैराहन ऊरिया न दीदम, तनेशरा पैराहम ऊरिया न दीदम, यूँ जन अंदर तनेश तन जाम दीदा। इसका हिंदी में तर्जुमा ये है कि सीता तेरे शरीर पर जो वस्त्र हैं उन्हें तेरा शरीर भी नहीं देख सकता, जैसे शरीर के भीतर आत्मा है वैसे शरीर को नहीं देख सकता। ये समझ आए? ये सीता की पाकीज़गी के ऊपर लिखा गया है, ऐसे कि सीता तेरे शरीर पर जो वस्त्र हैं उन्हें तेरा शरीर भी नहीं देख सकता, जैसे शरीर के भीतर आत्मा है वह शरीर को नहीं देख सकता। इस तरीके से पाक। कुछ वक्त बाद शहजादे की शादी हुई और बेगम जहां आरा ने ये खबर मतलब ये बात करने के लिए वो आला हजरत के पास गई, ये कहती हुई कि अब्बा हुजूर
बहुत वक्त हो गया है किले के अंदर कोई जश्न नहीं मनाया गया, और जो चचा परवेज थे वो शहजादे शाहजहाँ की शहजादगी के ज़माने में उनके भाई हुआ करते थे जिनका नाम परवेज था, उनकी बेटी से दारा शिको का रिश्ता जो है वो तय हुआ था। उनकी बेटी का नाम था नादिरा बानो। कुछ वक्त बाद शहजादे की शादी नादिरा बेगम से हुई और ये जलसा कई रोज़ तक चलता रहा। ये कहा जाता है कि 7 दिन तक आगरा के अंदर ये जश्न का माहौल था। रात में जश्न चिरागा होता था। तो जश्न चिरागा होता है कि जब आप पूरे पूरे पूरी कायनात को पूरे ज़माने को जो है चिरागों से रोशन करते हैं अपने आस पास, और जमुना के अंदर जितनी नाव चले उनको भी जो है चिरागों से रोशन कर दें, गली का एक एक कोना मोहल्ला और किला हर जगह जो है वो चिराग चले, तब उसे जश्न चिरागा बोला जाता है। 7 दिन तक ये जश्न चलता रहा और फिर उसके बाद जो है अब वाक्य आता है राणा दिल का। राणा दिल की ये हवेली है जो आगरा के अंदर ही है, और राणा दिल की खूबसूरती के बारे में वैसे तो मैंने एक पोस्ट भी डाला था, पर इसकी खूबसूरती के लिए मैं क्या बयां करूँगा। जब मैंने खुद राणा दिल की खूबसूरती के बारे में पढ़ा तो मैं सच बताऊँ तो मुझे खुद उससे मोहब्बत हो गई। मतलब ये गलत कहा जाता है कि खूबसूरत चेहरों से मोहब्बत नहीं होती, दिल देखा जाता है, ये ज़रा गलत कहा जाता है। दिल बाद में आता है, पहले खूबसूरत चेहरा सामने होता है, उसके बाद जो है दिल जाना जाता है, और फिर बाद में ब्रेकअप होता है। मैंने गलत बोला? पहले खूबसूरती से मोहब्बत होती है, जब दिल जाना जाता है फिर उसके बाद ब्रेकअप हो जाता है। तो मैंने कुछ इस तरीके से पढ़ा कि बेगम राणा दिल इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, ये मक्खन होता है ना, मक्खन, वो मक्खन नहीं जो अमूल का मक्खन होता है, वो मक्खन जो घर में निकाला जाता है, उस मक्खन के अंदर एक चुटकी सिंदूर आप डाल दीजिए और फिर उसको आप मिला दीजिए, और मिलाने के बाद जो रंग आए वो राणा दिल का। उसके बालों के बारे में मैंने जिक्र किया था कि उसके बाल इस तरह चमकते थे जैसे रात में कोई ठहरा हुआ पानी की झील होती है, और चांद जब पूरे अपने उरूज पर होता है और हल्का सा कंकड़ आप झील में फेंकें तो झील में ना एक रोशनी नज़र आती है, लहराती हुई चली जाती है। वो रोशनी जो है वो राणा दिल के बालों में, उसकी आँखों के बारे में कुछ इस तरीके से कहा गया कि किरनी जैसी आँखें, बड़ी बड़ी खोल खोल आँखें, कि एक बार आप आपकी तरफ मोहब्बत से उसने देख लिया तो फिर आप कुछ करने लायक रहेंगे नहीं। मतलब जिंदगी में वो है ना कि कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, तो सिर्फ आप इश्क करेंगे, काम नहीं करेंगे। जी, पेशे से स्किन के बारे में मैंने जिक्र कर दिया है। नहीं, ये वो दूसरी, वो ये दूसरी बेगम, आप दो बेगमों को एक साथ ना मिलाएं। तो ये राणा दिल थी, और पेशे से रक्कासा थी, जो रक्कासा तवाया बहुत आगे आके जो है बहुत बुरा एक लफ्ज़ हो गया। उससे पहले जो है वो रक्कासा एक वर्ड हुआ करता था, उसके बाद बीच में अदाकारा हो गया, तो जो रक्स हुआ करती थी वो रक्कासा हुआ करती थी, तो वे डांस करती थी, मुद्रा करती थी। जी नहीं, मैं माहौल बनाने की कोशिश करता हूँ। नहीं, रक्कासाएँ अभी जैसे मैम का क्वेश्चन है कि रक्कासाएँ क्या सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए हुआ करती थी, तो नहीं, जो अमीर लोग हुआ करते थे, अमीर उम्र हर कोई जो अफोर्ड कर सकता था, क्योंकि बहुत महंगी आती थी, मतलब पूरे पूरे 2-4 महीने की सैलरी उसमें चली जाती थी, तब जाके जो है उनका डांस होता था 1-1 घंटे। राणा दिल की हवेली अकबराबाद में, ये हवेली
शहजादे दारा शिकोह ने कभी उनको दी थी। अभी कुछ 2 महीने का वक्त हुआ, साहिब आलम से मुलाकात न हुई थी। राणा दिल की हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। कई रोज से साजिंदे भी जो है वो ना आए थे। साजिंदे जो होते हैं, जो तबला वगैरह जो बजाते हैं, वो भी ना आए थे। राणा दिल की खास खादिमा मनोरमा उनके साथ रहती थी। वो बार बार आती थी उन्हें उठाने के लिए, पर वो किसी तरीके से ना ही लेती थी, मना करती थी, बाहर से ही निकलती थी। हुआ ये था कि अभी 2 रोज ही हुए, राणा दिल को ये संदेशा मिला कि साहिब आलम दारा शिकोह का निकाह दिलराज बेगम से हो गया। सॉरी, नादिरा बेगम से। पता नहीं क्यों ना मुझे बहुत मोहब्बत है औरंगज़ेब की, जो लव स्टोरी है ना, तो बीच बीच में औरंगज़ेब की वाइफ दिलराज बेगम आई। तो मनोरमा जैसे आती थी बेगम साहिबा को, वो उठाती थी कि भाई साहब आप उठ जाइए, कई रोज़ से आपने खाना नहीं खाया। तो भाई साहब जो थी वो उठती नहीं थी। अब मनोरमा जो है, कई बार जो है उन्होंने उसको उठाया कि आप उठिए, अपने बालों की सुध लीजिए, चलिए जाके जो है साहिब आलम की हवेली में जाके उनकी शादी का, उनके निकाह की मुबारकबाद उनको दे दी जाए। तब भी जो है वो ना उठी। अब वो बस इसी उसमें थी कि मुझे मनोरमा याद आता है वो वक्त जब राजपुताने से जो है मुझे और तुम्हें साहिब आलम यहाँ अकबराबाद लेकर आए थे, और कितनी इज्जत और नाज हमें बख्शी थी, और ये हवेली हम लोगों को दी थी। वो वक्त हुआ कि जब से साहिब आलम की पनाह में हम लोग आए, हम लोगों ने किसी के सामने जो है मुजरा पेश नहीं किया। राणा दिल इसी तरीके से ऊल जरूर कुछ ना कुछ बातें जो है वो पुरानी करे जा रही थी। उनको ये कम खाया जा रहा था कि साहिब आलम ने उनसे ना जाने कितने मोहब्बत में वादे किए थे, और इस तरीके से उन्होंने जो है नादिरा बानो से शादी की। मनोरमा ने किसी तरीके से उन्हें राज़ी किया कि चलिए चल के उन्हें मुबारकबाद दे दी जाए। वो वहाँ से उठे, तैयार हुए, टोला मंगवाया गया। कुछ देर में मुबारक मंजिल नाम की हवेली थी अकबराबाद के अंदर, आगरा के अंदर, वहाँ वो पहुँचे। हवेली के बाहर ही ख्वाजा सरा बसंत, अब ये ख्वाजा सरा बसंत जो थे ये साहिब आलम के ख़ास ख्वाजा सरा थे जो हमेशा उनके साथ रहते थे। उन्होंने देखा कि राणा दिल का डोला आया है तो फौरन इस्तकबाल के लिए बाहर आए। उन्होंने बेगम साहिबा को जो है कॉर्निश बजाई और उनको ये मुबारकबाद दी कि आपको मुबारक मंजिल में आने की बहुत सारी मुबारकबाद। वो अंदर गई तो पता चला कि बेगम जहाँ आरा भी जो है वो मुबारक मंजिल में जो है वो आई हुई है। तो राणा दिल थोड़ा सा घबरा गई कि उन्होंने कभी जो है जहाँ आरा से मुलाकात इस तरीके से ना की थी। थोड़ी देर बाद जो है दीवान खाने के अंदर बेगम साहिबा जहाँ आरा और उनके भाई दारा शिकोह और दारा शिकोह की नई नवेली दुल्हन उनको बैठा हुआ पाया। राणा दिल अंदर आई, एक बार को नज़र उसकी दारा शिकोह पर पड़ी। दारा शिकोह पर जब नज़र पड़ी तो दारा शिकोह की आँखें एक बार को और राणा दिल मुस्तकिल उनको देखे जा रही थी। तो कहीं ऐसा ना होता कि सबकी नज़र जो है उन पर पड़ जाती। उन्होंने फौरन अपनी नज़र वहाँ से हटाई और फौरन सबसे पहले बेगम जहाँ आरा के पास आके कदम बूसी की, उनको कॉर्निश बजाई। फिर उसके बाद दारा शिकोह के सामने आकर जो है उनको तकलीमात दी, और फिर उसके बाद नई नवेली दुल्हन को आके बहुत सारी दुआएँ दी। नई नवेली दुल्हन के लिए वो कंगन लेके आई थी जो उन्होंने उनके हाथ में दिए। दारा शिकोह के लिए वो एक अंगूठी लेके आई थी जो उन्होंने उनके हाथ में दी। उन्हें ये इल्म नहीं था कि बेगम जहाँ आरा साहिबा भी जो है मुबारक मंजिल में मौजूद होंगी, तो उनके लिए वो कुछ लेके नहीं आई थी। तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि काश मुझे ये पता होता कि आप भी यहाँ मौजूद होंगी तो मैं आपके लिए भी कुछ ना कुछ लेके आती, पर आप खुद बादशाह बेगम हैं, मैं आपको दूँ तो क्या दूँ। बेगम जहाँ आरा ने थोड़ी सी मस्करी करते हुए जो है उनसे कहा कि आपके पास देने के लिए आपकी आवाज़ है, आपके पास देने के लिए आपका रक्स है, तो क्यों ना इस खुशी के मौके पर आपका रक्स हो जाए। ये थोड़ा सा तसव्वुर आप कीजिए कि एक महबूबा है, वो अपने महबूब के यहाँ गई उसकी शादी में, और वहाँ से मुजरा करने के लिए कहा गया कि सब ने उसने वहाँ वो नृत्य पेश किया हो। किस दम में शहजादे ने उसको इजाज़त दी होगी कि आप नृत्य पेश कीजिए, और वो क्या माहौल बना होगा, क्योंकि ख्वाजा सरा बसंत सब बातों से
सब बातों से बाखबर था। वो पीछे से पर्दे के पीछे देख देख के जो उसकी आंखों में आंसू निकल आए, किस तरीके से बेगम राणा जी वहाँ पर पेश कर रही। थोड़ी देर बाद रक्स ख़त्म हुआ और सब अपने अपने घर चले गए। कुछ वक्त बाद आला हजरत शाहजहां ने ऐलान किया कि हाथियों की लड़ाई कराई जाएगी। ये मुग़ल इतिहास में सबसे मशहूर हाथियों की लड़ाई थी। और पहले होता ये था कि लोग अपने शौक़ पूरे करने के लिए शिकार पर चले जाते थे या फिर हाथियों की लड़ाई करवा लेते थे। अच्छा, शिकार पर जब जाते थे तो होता ये था कि शेरों का शिकार किया जाता था, और जब शेरों का शिकार किया जाता था तो ये एक उसूल था कि शेरों का शिकार करते ही उनके मूंछों के बाल जला दिए जाते थे। आपको मालूम था अगली बार जब आप शेर के शिकार पर जाएं तो मूंछ के बाल जला दें। शेर के उसके पीछे रीज़न ये था कि शेर के मूंछों के बाल पान में रख कर खिलाने से किसी की भी डेथ हो जाती थी, तो लोग दुश्मनी निकाला करते थे। और किसी को मारना होता था तो ये बड़े बड़े घरानों में या बड़े बड़े खानदानों में ऐसा होता आया है। और कि आप पान में शेर की मूंछ का बाल रखते हैं, अगर आप किसी को खिला दें तो दो दिन जी जब शिकार कर लोगे तो बेचारा क्या कर लेगा वो, फिर तो आप उसकी दाढ़ी के बाल भी ले लीजिए तब भी वो कुछ नहीं करेगा। खैर, बीच बीच में मैं इस तरह की छोटे छोटे मैं आपको बातें बताता रहूँगा ताकि आप लोग भी जो नॉलेज है उसमें थोड़ा सा इजाफा। लाल किले के पीछे जो अगर आप जाएं आगरा में तो आप आगरे के लाल किले गए कभी, तो जमुना के किनारे पीछे लाल किले के पीछे ये हाथियों की लड़ाई हुआ करती थी। और दो बहुत मशहूर हाथी थे, एक हाथी का नाम था सूरज सुंदर और एक हाथी का नाम था सुधा। कहा यह जाता है कि काले पहाड़ जैसे ये हाथी थे, और जिस दिन ये लड़ाई होने वाली थी उस दिन उनके जो महावत थे उन्होंने गन्ने के रस में शराब मिलाकर जो है उनको पिला दी थी, क्योंकि हर महावत ये चाहता था कि वो जीते। इसमें एक महावत के जीतने का मतलब ये था कि उम्र भर के लिए इतनी दौलत मिल जाना कि उसको कोई और काम ना करना। सुबह से ही जो है पूरे अकबराबाद शहर में जो है ये माहौल था कि शाम को जो है सब लोग काम खत्म करने के बाद हाथियों की लड़ाई देखने जाएंगे। सारी बेगमां, सारी शहजादियों को ये पहले ही जारी कर दिया गया था कि तय वक्त पर जो है सब इस जगह आ जाए, और ऐसा हुआ भी। हाथियों को मैदान में लाया गया, थोड़ी बहुत शराब ये कहा जाता है कि महावतों ने भी पी हुई थी। और जब हाथियों की लड़ाई हुई तो ऐसा लगता था कि दो पहाड़ आपस में टकरा रहे हैं, और उसी तरीके से आवाज़ें आ रही थी। पीछे आसपास जो है लोग आतिशबाजियां कर रहे थे ताकि जो है खेल का मज़ा दोगुना हो जाए। और लाल किले के एक तरफ जो है पूरा शाही खानदान बैठा हुआ था, जिसमें सारी बेगमां, सारी शहजादियां और ख़ुद आला हजरत एक तख्त पर बैठे हुए थे। कुछ शहजादे जैसे दारा शिकोह अपने घोड़े पर मैदान में थे, शहजादा औरंगजेब मैदान में था, हाथियों की लड़ाई देख रहा था घोड़े पर। और इसी तरीके से राजा जय सिंह, मिर्ज़ा राजा जय सिंह भी अपने घोड़े पर थे, और जोधपुर के राणा जसवंत सिंह भी उस मैदान में अपने घोड़े पर थे। थोड़ी देर में ये लड़ाई का माहौल इस तरीके से बदला कि एक हाथी ने दूसरे हाथी को अपने दांतों से इस तरीके से घाव दिए कि दूसरा हाथी जो है चिंघाड़ते हुए एक तरफ बढ़ने लगा। ये कहा जाता है कि वो हाथी बढ़ते हुए शहजादा औरंगजेब की तरफ बढ़ा, और शहजादा औरंगजेब को ये समझ ना आया कि वो अब किस तरफ जाए, तो हाथी सामने से आ रहा था। इतने में मिर्ज़ा राजा ये कहा जाता है कि मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने एक भाला औरंगजेब की तरफ फेंका। जैसे ही औरंगजेब ने वो भाला पकड़ा, वो फौरन भाला हाथी के माथे पर उसने टिका दिया, जिससे वो हाथी रुक गया। थोड़ी देर के लिए दूर का इस तरीके से कलंदर था वहाँ पर मच गया कि किसी को ये समझ ना आता था कि हुआ क्या। सबको एक बार को ये लगा कि शहजादा औरंगजेब अब ना बचेंगे। शहजादा दारा शिकोह वहाँ पर मौजूद ज़रूर थे, पर उनकी हिम्मत ये ना हुई कि वो अपने भाई को जाकर देखें कि उनका हाल क्या हुआ है। औरंगजेब ये सोचकर वहाँ पर था कि किसी तरीके से दारा शिकोह आएगा और मुझे बचाएगा, पर दारा शिकोह नहीं आया। राणा जसवंत सिंह और मिर्ज़ा राजा जय सिंह वहाँ उसे बचाने के लिए आगे बढ़े। थोड़ी देर में वो हाथी पीछे मुड़ गया और अपने रास्ते चला गया। सबकी जान में जान आई, सब देखा कि औरंगजेब सही सलामत
बात है, औरंगजेब ने अपना सीना तान लिया, घोड़े से उतरा, उसको ये लगा कि अब सब मुझे शाबाशी देंगे क्योंकि मैंने इतना बड़ा काम किया। इतने में एक ख्वाजा सरा आया, उसने फौरन ख्वाजा सरा मोहम्मद खान, उसने औरंगजेब को आला हजरत के पास ले जाने के लिए कहा। आला हजरत ने उसे बुलाया था शाहजहाँ ने। वो वहाँ पहुँचा, उसको ये लगता था कि शाहजहाँ उसकी शाबाशी देंगे, उसको इनाम इकराम देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही औरंगजेब शाहजहाँ के सामने पहुँचा तो शाहजहाँ ने उसको बहुत बुरी तरीके से डांटा कि ये क्या हिमाकत थी, अगर कुछ होता तो आज तुम हमारे सामने ना खड़े होते। औरंगजेब ये सोच रहा था कि मैंने बहुत शौर्य का काम किया है, यहाँ शाहजहाँ मुझे इनाम व इकराम से नवाजेंगे, पर वो नवाजते ज़रूर, पर तारा शिकोह का इसमें हाथ है, तारा शिकोह ने ज़रूर कुछ कहा हो। औरंगजेब ने आंखें झुकाते हुए कहा कि मेरे भाई तारा शिकोह भी वहाँ खड़े हुए थे, वो चाहते तो मुझे वहाँ से निकाल लेते, पर उन्होंने चाहा नहीं। और यहीं से एक लड़ाई शुरू हुई भाइयों के बीच में। लड़ाई बचपन से भाइयों की लड़ाई भी कहा जाता है। जब ये पैदा हुआ था औरंगजेब तो किसी ने प्रॉफेसी की थी कि जो तीसरा बेटा तुम्हारा है ये नॉट गोइंग टू बी लकी फॉर यू, ये बहादुर भी होगा, सब कुछ होगा, बहुत अच्छा वॉरियर होगा औरंगजेब, लेकिन ये कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए बहुत अशुभ है। तो बचपन से ही शाहजहाँ दारा शिकोह का पेट जो फेवर्ड सन था और ये बड़ा निगलेक्टेड था औरंगजेब बचपन से ही, वो इसको दूर दूर मिशन पे भेज दिया करते थे कि दूर ही रहे, ये यहाँ रहे ही ना, कि कोई प्रॉब्लम ही ना आए। और दूसरा कहते हैं ये हाथी वाले इंसिडेंट इसलिए दारा शिकोह ने नहीं बचाया क्योंकि कहते हैं वो बहुत दूर थे, वो आ ही नहीं सकते थे जहाँ पर ये हो रहा था, और जिन्होंने मारा वो पास थे तो उन्होंने तुरंत उसे मार दिया। दारा शिकोह बहुत दूर थे कि पूरा काम की वजह से उसको छाप लिया। अब कुछ भी रहा हो दिस वर्ल्ड में कि तारा शिकोह अगर चाहते तो वो उसको बचा लेते, और ये जो भाइयों की लड़ाई थी इस वक्त आके जो है इसमें और ज़्यादा दरार आ गई। दोस्तों शाहजहाँ के बेटों में जो दरार थी, जैसा मैंने बोला ये बचपन से तो थी क्योंकि शहजादी, क्योंकि जो बादशाहत जो होती थी उसको आप सियासत से तो पाते ही थे, पर जंगे मैदान में भी इसका फैसला होता था तलवार के जरिए। जब तक खून ना बहाया जाए तब तक आपको बादशाहत नसीब नहीं होती थी, ये हमेशा देखा गया है और ये सुना भी गया है और ये पढ़ा भी गया है। शाहजहाँ के दोनों बेटे दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में ये दुश्मनी बहुत आगे तक गई और ये वहाँ तक पहुँची कि इसने शाहजहाँ को एक वक्त में आके कैदी भी बना दिया। खैर ये वक्त बीता यहाँ से और अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। दारा शिकोह, आपको मालूम है अगर दारा शिकोह औरंगजेब की जगह बादशाह बना होता तो शायद मुगल हुकूमत आज भी होती, ये बड़े बड़े स्कॉलर्स का कहना है, क्योंकि दारा शिकोह सबको साथ लेके चलता था ये कहा जाता है। और जब से बेगम राणा दिल उसकी ज़िंदगी में आई उसने एक अंगूठी पहनना शुरू किया जिस पे प्रभु लिखा होता था, और कमर का एक पटका होता था जिस पे प्रभु लिखा होता था, कोई भी जड़ाऊ कहना वो पहनता था उस पे प्रभु लिखा होता था। उसने कई किताबें जो हैं लिखी, कुछ किताबों का जिक्र मैं यहाँ पे करूँगा। एक किताब उसने लिखी थी सकीनत उल औलिया जो लाहौर के मियाँ मीर के ऊपर है, एक किताब उसने लिखी थी सकीनत औलिया जो दिल्ली और मतलब हिंदुस्तान के जो सूफी सेंट्स हैं उनके ऊपर लिखी थी, एक किताब उसने लिखी थी तारीकुत उल हकीकी जिसमें उसने लिखा है कि तू काबा में है तू सोमनाथ में है, तू काबा में है तू सोमनाथ के मंदिर में है, तू चैतालय में है तू सराय में है, तू ही एक वक्त में नूर भी है तू ही पतंगा भी है, तू ही हाला है तू ही प्याला है, तू ही ऋषि है और तू ही मूर्ख है, तू ही गुलाब और उसके इश्क करने वाली बुलबुल। अगर एक शहजादा इस तरीके से किताबें लिख रहा है, एक शहजादा अगर ऐसे थॉट्स रखता है तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो तख्त पर आएगा तो कैसा इंसान है। तो ये थे शहजादे औरंगजेब, जिनसे जो दरबार के जो कट्टरपंथी मुल्ला मौलवी थे बहुत ज़्यादा उनसे चलते थे, और कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट जो है वो साजिशें होती रहती थी। शाहजहाँ चाहते थे कि दारा शिकोह को जो है तख्त मिले और आगे जाके वो उनकी जगह लें, पर बहुत सारे लोग ये भी चाहते थे कि औरंगजेब बने, कई लोग ये चाहते थे शाह शुजा जो है जो उनके सबसे छोटे भाई हैं वो बने, कई लोग ये चाहते थे कि मुराद बख्श जो है वो बने। खैर ये लड़ाई थी जो आगे चलकर जिसने बहुत बड़ा विकराल रूप जो है वो ले लिया। 1600
1858 का ज़माना था जब ये एक लड़ाई हुई औरंगज़ेब और दारा शिकोह के बीच में। तो इस लड़ाई से पहले जहां आरा बेगम साहिबा और शाहजहां की बात हुई, जहाना बेगम साहिबा ने आला हजरत से पूछा कि अब्बा हुजूर, आप इतने इनाम और इकराम और इतने सारे ओहदे आप भाईजान दारा शिकोह को दिया करते हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि भाइयों में इससे छूट पड़ जाएगी? शाहजहां ने इसका कोई जवाब ना दिया। जहाना ने फिर पूछा कि अगर भाइयों में लड़ाई हुई और दारा शिकोह अगर हार गए तो ये किसकी हार होगी? तो शाहजहां का कहना ये था कि अगर ये लड़ाई हुई तो मैं दारा शिकोह का साथ दूंगा, और अगर दारा शिकोह हारे तो मैं भी हारा माना जाऊंगा। तो ये लड़ाई हुई 1658 में। ये कहा जाता है ये लड़ाई ऐसी हुई कि इसमें कई हज़ार लोग यहाँ के और कई हज़ार लोग वहाँ के मारे गए। दारा शिकोह जो ये सामूगढ़ की लड़ाई से वापस भागते हुए आगरा आया, आगरा आने के बाद वो जो क्योंकि वो हारा हुआ आया था तो उसके अंदर इतनी हिम्मत ना थी कि वो अपने अब्बा हुजूर से जो है आंखें मिला पाए। वो फौरन अपने लश्कर के साथ जो है वो दिल्ली आ गया। दिल्ली आने का मकसद ये था कि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा फौज थी और काफ़ी सारा खजाना था, वो यहाँ से नई फौज तैयार कर सकता था और यहाँ से नई फिर से एक नई जंग लड़ सकता था। दोस्तों, दिल्ली आने के बाद दिल्ली वालों ने उसका स्वागत किया, पर उसको ये पता चला कि पीछे से औरंगज़ेब की फ़ौज आ रही है। वो यहाँ से निकलकर वापस लाहौर चला गया, लाहौर से वो थट्टा चला गया और वहाँ से मुल्तान चला गया। अब बादशाहत यहाँ औरंगज़ेब के पास थी। औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को कैद कर लिया आगरा के अंदर, उसने पूरे शाही ख़ानदान को वहाँ रखा और जो दारा शिकोह का जो हरम था उसको अपने कब्जे में ले लिया। बेगम राणा दिल को उसने दिल्ली बुलवा लिया और दिल्ली बुलवाने के बाद उसने शहर के कोतवाल को राणा दिल के पास भेजा ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे खूबसूरत बालों को छूना चाहता हूँ। तो उस खत के जवाब में राणा दिल ने अपने सारे बाल मुंडा कर एक तश्तरी में रख कर उसके ऊपर कपड़ा चढ़ा कर वो वापस भेज दिए कि ये खूबसूरत बाल आपकी नजर। दूसरी बार औरंगज़ेब ने एक खत में लिखा कि मैं आपके खूबसूरत चेहरे का दीदार करना चाहता हूँ। तो बेगम राणा दिल ने अपने खूबसूरत चेहरे को चाकू से गोद डाला, एक प्याले के अंदर वो खून जमा किया और वो खून से सना हुआ खंजर कपड़े में लपेट के औरंगज़ेब की खिदमत में भिजवा दिया कि बादशाह सलामत, ये मेरा खूबसूरत चेहरा है। औरंगज़ेब ने उसको देखा, उसको बड़ा दुख इस बात का हुआ कि उसकी ज़रा सी भूल से जो है एक खूबसूरत चेहरा बिगड़ गया। ये कहा जाता है कि जब भी राणा दिल को औरंगज़ेब देखता था तो उसको अपनी पुरानी महबूबा बेगम ज़ैनबादी याद आती। कुछ वक्त बाद दारा शिकोह मुल्तान पहुंचा। मुल्तान पहुंचने के बाद उसका एक दोस्त था जिसका नाम था मलिक जीवन। उसे लगा कि मलिक जीवन जो है वो उसकी मदद करेगा, पर मलिक जीवन ने उसको गिरफ़्तार करवा दिया। मिर्ज़ा राजा जय सिंह उसको गिरफ़्तार करके दिल्ली लेकर आए और ये कहा जाता है कि दिल्ली में बूढ़ी हथनी के ऊपर एक जुलूस निकलवाया गया जिसमें दारा शिकोह और उसका एक सबसे छोटा बेटा सिपाही शिकोह बैठा हुआ था। दिल्ली के लोग उसके पीछे घूम रहे थे। जैसे ही ये काफिला लाल किले के पास पहुंचा, इतने में एक फ़कीर जिसने काले रंग का चोगा पहना हुआ था वो दारा शिकोह के हाथी के पास आया और उसने उससे फरियाद की कि साहिब आलम, आपने फ़कीरों को हर बार कुछ न कुछ दिया है, आज मुझे क्या देंगे? दारा शिकोह ने सिर्फ सुना और अपना कश्मीरी शॉल काफ़ी मैला हो गया था उस फकीर की तरफ देखते वक्त, जैसे ही उसने नीचे नजरे की उसे एक पल को लगा कि वो राणा दिल। उसने ध्यान से देखा उस फकीर के बाल नहीं थे, उस फकीर का चेहरा कई जगह से बिगड़ा हुआ था। कुछ पल के लिए उसको देखते रहा, इतने में वो भीड़ जो उसके पीछे थी उस फकीर को ना जाने कहाँ ले गई। दारा शिकोह को लाल किले के अंदर लाया गया और उसको कैद खाने में डाल दिया गया। दारा शिकोह को इस बात का डर था कि उसको खाने में जहर मिला के मार दिया जाएगा, तो वो और उसका बेटा खुद खाना पकाते थे। एक शाम जब वो अपने बेटे के साथ मसूर की दाल पका रहा था तो बादशाह औरंगज़ेब के सिपाही कैदखाने में आए और सिपाही शिकोह को उससे जुदा करने लगे।
तारा शिको ने एक चाकू जो अपने तकिए के नीचे छुपाया हुआ था वो निकाल लिया और उन सिपाहियों से लड़ने लगा, और लड़ते लड़ते ये कहने लगा कि मैंने पूरी बादशाहत भाई औरंगज़ेब को दे दी है, मुझे सिर्फ बदले में एक कुतुब खाना, एक लाइब्रेरी, मेरी राणा दिल और एक हवेली चाहिए, उसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। उसकी एक ना सुनी गई, सिपिर शिको को वहाँ से ले जाया गया, और तभी पीछे से एक वार तारा शिको की गर्दन पर हुआ और तारा शिको का दर्द घर से अलग हो गया। जो सिपाही थे उन्होंने उस सर को औरंगज़ेब के सामने पेश किया, उसको धोने के बाद उस सर को आगरा में लाल किले में शाहजहाँ के सामने पेश किया गया, और ये कहा जाता है कि जैसे ही शाहजहाँ ने उस सर को देखा, वो खाना खा रहे थे, तो फौरन तख्त से गिर गए, गिरने के बाद उनके ऊपर के गुर्दा थे। कुछ वक्त बाद एक मंजर दिल्ली में देखा गया, लाल किले के पीछे जमुना नदी के किनारे एक चिता जल रही थी, और किसी ने एक फ़कीर को उस चिता के ऊपर बैठे हुए पाया। उस फ़कीर के बाल नहीं थे। बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि ये राणा दिल था। कुछ वक्त बाद लोगों ने राणा दिल की खास खादिमा मनोरमा को औरंगज़ेब के हरम में पाया, और तारा शिको और राणा दिल के ऊपर लिखी गई जितनी किताबें थीं उन सबको औरंगज़ेब के हुक्म पर जला दिया गया। कुछ लोगों ने इसके सबूत अपने पास रखे थे, वो आज तक हमारे पास हैं, जिनके ज़रिए हमें राणा दिल और तारा शिको की मोहब्बत के बारे में पता चलता है। फिर 1666 का एक वक्त आया, ये वो वक्त था जब आगरा के किले के मुसम्मन बुर्ज में बादशाह सलामत अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे, और बेगम जहां आरा उनकी खिदमत में थी। शाम का वक्त था जब बादशाह सलामत ने, जो पुराने बादशाह सलामत थे, उन्होंने अपनी आखिरी सांसें गिनी और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। उनको तकरीबन सुबह 4 बजे तब से छुपाते हुए नाव में बिठाकर ताजमहल में दफनाया गया, और उसके बाद ये खबर शाहजहानाबाद दिल्ली आई। ये खबर इसलिए छुपाई गई थी क्योंकि औरंगज़ेब बिल्कुल नहीं चाहता था कि शाहजहाँ को उनके इंतकाल के बाद लाल ताजमहल में दफनाया जाए। और फिर जहाँआरा बेगम साहिबा, जो काफ़ी वक्त से लाल किले में रह रही थी, वो वापस दिल्ली आ गई, और लाल किले में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई। दोस्तों, ये मोहब्बत है जिसके बारे में, ये वो दास्तान है जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं करते, जिसके बारे में जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, जो स्कॉलर्स हैं, अगर आप उनसे राणा दिल के बारे में बात करने जाएं, तो लोग उनके बारे में बात नहीं करेंगे। आप उनसे तारा शिको के बारे में बात कर लीजिए, पर वो राणा दिल के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो इसलिए क्योंकि सबूत नहीं है। हमारी जो हिस्ट्री है वो सारी सबूतों के ऊपर चलती है। पर बहुत सारे ऐसे लोग थे उस ज़माने में, एक ट्रैवलर थे, एक मुसाफिर जो इटली से आए थे, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड राणा दिल का लिखा, जिसके ज़रिए हमें राणा दिल के बारे में पता चलता है। ये कहा जाता है कि तारा शिको जब जयपुर गए थे तो वहाँ पर उन्होंने राणा दिल का रक्त देखा था, और देखते ही वो उनके ऊपर फिदा हो गए, और वहाँ से वो उन्हें आगरा ले आए और यहाँ लाकर रखा। कई लोग उनकी मोहब्बत के गवाह रहे, खासकर ख्वाजा सरा बसंत जो हमेशा उनके साथ रहता था, वो उनकी मोहब्बत का गवाह था। काफ़ी वक्त तक लोगों ने राणा दिल और तारा शिको को याद किया, फिर उसके बाद नए बादशाह ने वो सारे सबूत राणा दिल
और दादा सिखों के मिटा दिए, जिससे वो आगे आगे आने वाले वक्त में जाने जाए। दोस्तों शायद मैं आज बहुत कुछ आपको राणा दिल के बारे में बता नहीं पाया, शायद मैं आप लोगों को बहुत कुछ आज दारा शिकोह के बारे में नहीं बता पाया, शायद मैं उस ज़माने के बारे में आपको नहीं बता पाया, शायद मैं जो सोच कर आया था मैं वो आपके सामने पेश नहीं कर पाया। मैंने सोचा ज़रूर था कि मैं आपको राणा दिल के वो किस्से सुनाऊँगा, मैं वो बातें बताऊँगा कि शायद आपके दिल में खूब जगे और आप कहीं ना कहीं आपकी आँखों में एक आंसू निकल आए कि हाँ उस ज़माने में एक ऐसी मोहब्बत भी होती थी कि कोई एक औरत इस तरीके से अपने सर के बाल मुंडा दे या अपने चेहरे को इस तरीके से ज़ख्मी कर ले। आज दोस्तों इस तरह की मोहब्बत शायद देखने को नहीं मिली। आज अगर आप मोहब्बत करें किसी से और आपका ब्रेकअप हो जाए तो आपको सिर्फ एक सजेशन दिया जाता है, गेट ओवर, इश्क नाम की कोई चीज़ नहीं। शायद ये वो लोग थे जो हमें इश्क सिखा गए, अब ऐसे इश्क शायद आगे ना हो। कुछ क्वेश्चंस अगर आपके पास हो तो आप मुझे देखिए, ये एक बैठक है और मैं एक पॉइंट तक भी आपको कुछ बता सकता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चंस होते हैं, फिर उसके बाद वो डिस्कशन होता है। जब शादी हुई थी उसमें किसी ने बोला था कि ड्रग्स देखो, तो किसको बोला था उसने? जब शादी हुई थी, जब शादी हुई थी तो उसको बोला गया था कि तुम अपना नृत्य दिखाओ, वो किसने किसको बोला था? चाहारा ने राणा दिल को, राणा दिल को बोला था, राणा दिल बॉस वाइट हाँ जहारा। ओके तो जहारा ये इस बात को जानती थी कि उनके भाई जो है वो राणा दिल की मोहब्बत में गिरफ्तार है। दोस्तों हाँ ये ना कि दारा शिकोह आने वाले वक्त का बादशाह था और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आने वाली तारीख इस बात की गवाह हो कि ये बादशाह जो है राणा दिल जैसी छोटी मोटी रखाता के इश्क में पढ़ा और उसको जो है वो अपने हरम में ले आया। जब नादिरा बेगम से उनकी शादी हुई तब ये शर्त रखी गई, दारा शिकोह ने ये शर्त रखी कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि ये सियासी फैसला है और मुझे शादी करनी पड़ेगी, पर इसके बाद आपको मेरी शादी राणा दिल से करानी पड़ेगी। बेगम जहाँ आरा ने इस बात का वादा किया था और आला हजरत से ये वादा लिया भी था और ये कहा भी जाता है, काफ़ी सारे लोग ये कहते भी थे कि बेगम राणा दिल की शादी दारा शिकोह से हुई थी, उसके बाद जाके ये टाइटल बेगम का उनको मिला। तो अलग अलग स्टोरीज हैं, पर शादी हुई थी नहीं हुई थी, मोहब्बत कहाँ तक उनकी हुई थी नहीं हुई थी, पर सिर्फ ये वाली बात कि एक शहजादा हाथी के होदे पर बैठा हुआ है और बहुत पुराने गंदे कपड़े पहने हुए हैं और नीचे एक फ़कीर आके उसको इस तरीके से मिले कि साहिब आलम आप हर बार कुछ ना कुछ फ़कीरों को दिया करते हैं, आज मुझे क्या देंगे? और जब साहिब आलम की नज़र नीचे पड़े और वो ये देखें ये तो राणा दिल है, तो उस पर क्या बीती होगी? वो यही सोच रहा होगा कि अभी 2 महीने पहले की बात है कि पूरा मुल्क हिंदुस्तान जो है वो मेरे वालिद के कदमों में झुका करता था और मुझे जो है वो पलकों पे बिठाया करता था, यही शाहजहानाबाद के लोग हैं जो मुझ पर जो है फूल जो है वो लुटाया करते थे और जब मैं निकलता था शाहजहानाबाद की गलियों से तो होदों से अशर्फियाँ लुटाता हुआ चलता था और इस तरह के जो फ़कीर थे उनको जो है मैं कितनी खैरात बांटा करता था। आज मेरी राणा दिल आप इसको तसव्वुर कीजिए, जस्ट इमेजिन कि आपकी खुद की गर्लफ्रेंड इस तरीके से अगर आ पाए तो आप पे क्या बीतेगी? उस ज़माने में आज से 250-300 साल पहले ये वाक़या हुआ और फिर उसके बाद कई सालों तक किसी को ये इजाज़त नहीं दी गई कि कोई मोहब्बत करे। अभी कुछ देर पहले ये सवाल आया था कि औरंगज़ेब की मोहब्बत उससे छीन ली गई थी इसलिए औरंगज़ेब ऐसा हो गया था। हाँ ये सही बात है, औरंगज़ेब को भी मोहब्बत हुई थी। औरंगज़ेब के बारे में ये कहा जाता है कि उसने कभी शराब को अपने लबों से ना लगाया था, पर उसको भी जब मोहब्बत हुई तो उसने भी शराब के प्याले को उठा लिया था। हुआ ये
की एक रक्कासा थी जिसका नाम था हीरा बाई। ना जाने के जितने मुगल शहजादे हैं सबको जितने भी मोहब्बत हुई वो सारी रक्कासा से ही हुई, जितनी जो तबाया पूछी थी। तो वो हीरा बाई को अपने हरम में ले आए और उसको जो है एक टाइटल दिया, वो टाइटल था बेगम जैनाबादी का। बेगम जैनाबादी ने शहजादे से ये पूछा कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो औरंगज़ेब ने कहा मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो बेगम साहिबा ने एक प्याला उनकी नज़र कर दिया कि अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो ये प्याला जो है आप पी जाइए। तो ये कहा जाता है कि आसपास जितने सिपाही और उनके खिदमतगार जितने लोग थे वो सारे के सारे पर्दे के पीछे चले गए थे आंखें झुकाते हुए, क्योंकि औरंगज़ेब ने वो प्याला उठा लिया था, वो देखना नहीं चाहते थे कि औरंगज़ेब जो है वो शराब को अपने लबों तक लेकर आए। तो जैसे ही औरंगज़ेब शराब के प्याले को अपने लबों तक लेकर आया, बेगम जैनाबादी ने उनका प्याला अपने हाथों से छीन लिया और फिर पूरी दुनिया उनके गवाही। कहा जाता है कि उनकी ही बहन रोशन आरा के कहने पर दक्कन में बेगम जैनाबादी का कत्ल करा दिया गया और ये देखकर औरंगज़ेब पूरी तरीके से बदल गया। और फिर उसके बाद जैसा वो हुआ हम लोग सब जानते हैं। रोशन आरा ने क्यों कराया? रोशन आरा ने इसलिए उसका कत्ल कराया क्योंकि रोशन आरा जिस तरीके से औरंगज़ेब और दारा शिकोह के बीच में ईंट और भरे का बैर था, उसी तरीके से रोशन आरा और जहां आरा के बीच में जो है ईंट और भरे का बैर था। जिस तरीके से बादशाह सलामत दारा शिकोह को इज्जत बख्शते थे और औरंगज़ेब जलता था, उसी तरीके से जो इज्जत जहां आरा को मिलती थी रोशन आरा उससे जलती थी। तो रोशन आरा इस पूरे गेम में जो है वो सबसे ऊपर थी, वो चाहती थी कि औरंगज़ेब को बादशाह बना दिया जाए। तो ये लोग दो टीमों में डिवाइड थे, औरंगज़ेब और रोशन आरा, दारा शिकोह और जहां आरा। तो रोशन आरा औरंगज़ेब को सपोर्ट करती थी। रोशन आरा के ही कहने पर दक्कन की सूबेदारी मतलब दक्कन का इलाका औरंगज़ेब को दिया गया, वो इसलिए क्योंकि जितने भी बादशाह हुए वो अपनी शहजादगी के ज़माने में वो दक्कन में सूबेदार रहे। तो औरंगज़ेब से उसे उम्मीद थी कि आगे चलकर बादशाह बनेगा, पर जब उसे ये खबर आई कि औरंगज़ेब अब कोई काम नहीं कर रहा है और एक रक्कासा के मोहब्बत में जो है वो पड़ गया है, तो उन्होंने जो है उसको उस रास्ते से निकाला। उसने अपने ख्वाजा सरा को यहाँ से भेजा आगरा से, वो वहाँ पहुँचा, वो हरम में पहुँचा। हरम में पहुँचने के बाद ये कहा जाता है कि हीरा बाई बेगम जैनाबादी वो आहू खाने में, आहू खाना एक गार्डन था वहाँ पे, उसमें जो है वो झूला झूल रही थी कि पीछे से जो है ख्वाजा सरा एक खंजर ले आया और उसने जो है वो खंजर बेगम साहिबा के जिस्म में उतार दिया। और जैसे ही वो खंजर बेगम साहिबा के जिस्म में उतरा तो हर जगह चीख पुकार मच गई। औरंगज़ेब को बाहर ही जो है रोक दिया गया। उनके मामू थे जिनका नाम था शाइस्ता खान, शाइस्ता खान ने औरंगज़ेब को पकड़ लिया ये कहते हुए कि तुम अंदर ना जाओ। पर औरंगज़ेब को लगा कि उनकी जो पहली वाइफ है दिलराज बेगम उनकी कई रोज़ से तबीयत ख़राब है, शायद वो इस दुनिया से चली गई है। वो फौरन तेज़ कदमों के साथ आगे बढ़े। शाइस्ता खान ने फिर रोका कि तुम अंदर ना जाओ, पर जैसे ही वो आगे बढ़े देखते क्या है कि सामने जो है खून में लथपथ जो है बेगम जैनाबादी जिस्म पड़ा हुआ है। औरंगज़ेब ने उसको एक नज़र देखा, उसको यकीन ना हुआ और वो उल्टे कदम वहाँ से लौट आया। उसको ये लगा कि ये कत्ल जो है शहजादी जहां आरा और दारा शिकोह ने करवाया है। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात उन लोगों के बीच में हुए जो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी उन लोगों के बीच में। होता ये था कि अब जैसे अब एक वाक़या हुआ कि औरंगज़ेब ने शाहजहां को लाल किले के अंदर कैद करा दिया। अब एक वक्त बाद और जमुना का पानी भी बंद कर दिया। अब लाल किला के अंदर जमुना का अब पानी भी नहीं जाता था तो लोग प्यासे मरने लगे। तो शाहजहां ने अपनी आलमगीरी तलवार औरंगज़ेब के लिए भेजी जिस खत में ये लिखा हुआ था कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम बादशाह बन जाओ और दारा शिकोह को छोड़ दो। वो वहाँ पहुँचे वो तलवार और वो खत, तो औरंगज़ेब जो है वो वापस जो है अपने वालिद से मिलने के लिए निकलने लगा। इतने में जो है औरंगज़ेब का बेटा एक खत लेकर आया जिस खत में ये लिखा हुआ था
कि प्यारे बेटे दारा शिकोह फौरन अकबराबाद आओ और मुझे यहाँ से औरंगज़ेब से छुड़वाओ। ये खत बहुत पहले जो है शाहजहाँ ने लिखा था, जो बाद में जो है पकड़ा गया। ये खत पढ़कर जो है औरंगज़ेब अपने बाप से मिलने नहीं गया। अगर वो खत जो है वो औरंगज़ेब नहीं पढ़ता और अपने बाप से मिलने चला जाता तो शायद शाहजहाँ कैद खाने में इस तरीके से अपनी आखिरी सांसें नहीं गिनती। तो ये सियासतें होती थी और सियासतों के बीच मोहब्बतें इस तरीके से जो है वो पनपा करती थी। दारा शिकोह ने जितनी भी किताबें लिखी हैं या जितने भी उसने बातें कही हैं उसमें बहुत ज़्यादा रोल जो है वो बेगम राणा दिल का भी है, क्योंकि ज़्यादातर किताबें उन्हीं की हवेलियों पर लिखी गई। यानी अगर कुछ दारा शिकोह ही नहीं, अच्छा यहाँ पे हुमायूं के मकबरे में सिर्फ हुमायूं की ही ग्रेव नहीं है, यहाँ बहुत सारी कब्रें हैं। होता ये था कि अब दारा शिकोह के लिए औरंगज़ेब अलग से एक मकबरा तो बनवाता नहीं, तो उसने उसको यहाँ दफना। और उसकी ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं थी, उसकी ख्वाहिश तो खुद ये थी कि उसको वहाँ दफनाया जाए आगरा के अंदर, तो उसको यहाँ दफनाया गया। और मैंने ये भी सुना है कि जब उसके सर को काटा गया और धुलवा के मखमली कपड़े में जो है वो शाहजहाँ के सामने भिजवाया गया और बाद में उस सर को जो है ताजमहल की सीढ़ियों के नीचे दफना दिया गया ताकि लोग उसके ऊपर पैर रख सकें, ये कहा जा कई हिस्टोरिकों के साथ कहा कि दारा शिकोह की जो धड़ है वो यहाँ दफना और उसका जो सर है वो वहाँ। कुछ भी नहीं, क्योंकि हुआ ये कि दारा शिकोह के मरने के बाद उसकी जो बॉडी थी वो दो दिन तक चांदनी चौक की कोतवाली के सामने, कोतवाली होती थी जहाँ आज गुरुद्वारा है चांदनी चौक में, उसके सामने जो है रखा गया ताकि बाकी लोग जो है उसका हश्र देख लें कि जो भी जो है औरंगज़ेब से टकराएगा उसका हाल यही होगा। इसके पीछे कई और वाक़यात हैं, जैसे आप लोगों ने सूफी सरमद शहीद का नाम सुना है? ओके, सो सरमद का नाम और किसने सुना है? हुआ ये था कि एक दिल्ली में एक फ़कीर रहते थे और जिनको दारा शिकोह जो है अपना गुरु अपना पीर मानता था, और सूफी सरमद ने ये भविष्यवाणी की थी कि आने वाले वक्त में दारा शिकोह जो है वो तख्त पर बैठेंगे। तो वो अपने बदन पर कोई कपड़ा नहीं पहनते थे और वो गलियों में जो है इस तरीके से जो है चिल्लाते हुए घूमते थे कि दारा तू आने वाले वक्त का बादशाह बनेगा, दारा तू आने वाले वक्त का बादशाह बनेगा। तो जैसे ही औरंगज़ेब तख्त पर बैठा उसने उन सारे लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और कैद खाने में डालना शुरू किया जो उसकी शहजादगी के ज़माने में उसके खिलाफ बोला करते थे या वो लोग जो दारा शिकोह का साथ दिया करते थे। तो सबसे पहले जो है उन्होंने सूफी ये सरमद को जो है गिरफ़्तार किया गया। इल्ज़ाम ये था, अब ये सरमद सूफी सरमद जो थे जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर रहा करते थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि वो अपने साथ जो है एक नौजवान लड़के को रखते हैं, नौजवान लड़के का नाम जयचंद अभयचंद, और वो अपने तन पर कुछ नहीं पहनते और ना वो नमाज़ पढ़ते हैं ना वो रोज़े रखते हैं। उनको काजी के शहर के सामने जब लाया गया तो काजी साहब ने उनके ऊपर ये सारे इल्ज़ाम लगाए और उनसे पूछा कि आप नंगे क्यों रहते हैं, तो सरमद साहब का कहना ये था कि उछता रहते हुए मुझको बनाया नीचा, रहते चश्मे के मिला मुझको ना तो जाम भरा, वह बगल में मेरे मैं करता फिरूँ खोज उसकी, इस अजब दर्द ने मुझको बनाया नंगा। ये सुनकर अदालत में जो है शोर होने लगा और काजी शहर ने जो है उनके कत्ल का फैसला सुना दिया। काले खां नाम के एक साहब थे जिन्होंने जो है सरमद का सर जो है उनके सामने अलग किया। तो कहा जाता है जब काले खां तलवार लेकर उनके सामने पढ़े तो उन्होंने काला कपड़ा सूफी सरमद को पहनाना चाहा तो सरमद ने मना कर दिया ये कहते हुए कि मुझे मालूम है मेरा क्या होगा, तो इसे पहनाने का फ़ायदा क्या। काले खां ने सूफी सरमद के चेहरे पर खुदा का नूर देखा और एक पल के लिए तलवार को छोड़ दिया
बगदादी शहर के दोबारा हुकुम पर तलवार को उठाकर जो है उन्होंने सूफी सरमत का स्टार्ट किया। कहा जाता है कि सूफी सरमत का जो सर है उसको जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफनाया गया और जो उसका जो जिस्म है उसको जामा मस्जिद की सीढ़ियों से थोड़ा सा पीछे जो है दफनाया गया ताकि लोग उसके सर पर पैर रखकर जो है वो जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ। ये औरंगजेब था जिसने सबको हटा कर अपने रास्ते से बादशाह था और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट करते हैं। ये पागल आशिक था, जब लोग इश्क में पागल हो जाते हैं पागल हो जाने के बाद वो ऐसे ही काम किया करते हैं, फिर उनको किसी की परवाह नहीं करते। तो औरंगज़ेब ने यहाँ सबको कत्ल करने के बाद बेगम ज़ैनाबादी के कत्ल का बदला लिया। ये मेरा अपना मत है। एनी अदर क्वेश्चन? जी देखिए, इसके बारे में ये मतलब ये हमने सुना है कि जब भी बेगम जहाँ आरा दारा शिकोह से मिलने जाती थी तो लवंगी शहजादी लवंगी जो है वो उनके साथ जाती थी इस उम्मीद में कि उन्हें जो है वो पंडित जगन्नाथ की जो है ज़ियारत नसीब हो जाएगी। या पंडित जगन्नाथ बहुत बूढ़े नहीं थे, वो 25-27 साल के जो है नौजवान थे और वो जो है उनकी शादी उनके साथ तो हो गई थी ये कहा जाता है। बाद में जो है उनका कत्ल कर दिया और आकाश हमसे औरंगज़ेब के ऊपर, क्योंकि औरंगज़ेब की हम लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन लेते हैं। मेरे लिए मेरी नज़रों में औरंगज़ेब नहीं है, मतलब आशिकी में आप इतने दीवाने ना हो जाओ कि अपने बाप को कैद खाने में डाल दो। आकाश फ्रॉम कलकत्ता और आई हैव बीन स्टडिंग हिस्ट्री ऑनर्स इन रामदास कॉलेज, दिस इज माय थर्ड एंड फाइनल ईयर। आई हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड माय फैमिलियल लव फॉर द मुगल्स विच गोज बैक अ लॉन्ग टाइम, so it's a bit of an obsession. My mother's here as well, she shares in that obsession. And since Asif brought me up here, and thankfully for saying a few words on Aurangzeb, my first Delhi Kadava event was last year in August, Aurangzeb and Zainabadi Begum, and we were sitting right there, and it's almost like a full circle today. Aurangzeb for me and some other members of my family has been a center of great interest and dare I say the word affection. And why so? Because, see, when you're talking about Aurangzeb, if you really want to have a proper understanding of this figure, someone who ruled India, I mean, of course, BJP and others like to talk about Akhand Bharat, the only monarch who actually came the closest before the British to achieving something resembling Akhand Bharat was Aurangzeb. And this person who ruled the Indian subcontinent for 49 years and about whom hundreds and thousands of people have so diverse and divergent views, isn't someone who you can judge by reading one line or by listening to one line. Aurangzeb, as a person, well, there is no denying absolutely that he was an orthodox, but then again, the contradictions in his life are such that they begin from some of the most cardinal aspects of his life. So when we are talking about Aurangzeb the Orthodox, you have to keep in mind that Aurangzeb was an Orthodox Sunni. So Shias and Ahmadiyyas, but they didn't really make the cut as far as Aurangzeb was concerned. The Deccan kingdoms, Golconda, Ahmednagar, and interestingly they were Shia kingdoms. And we all know that their relation wasn't really all bed of roses. Aurangzeb is, along with Babur and his great grandfather Akbar, the most capable human to have ever taken the imperial seat of the Mughals. His political capability, at least till the time he came to the throne, his military capabilities throughout his life are some aspects about his persona which would have made even Babur and Akbar proud. The greatest indication of this would be the fact that
in the tradition of some of the great emperors and princes of old, Aurangzeb was the person who was sent to the most difficult campaigns and the most difficult frontiers during the time when he was a prince, when he was a Shahzada. He was the person who led one of the Kandahar campaigns where Dara Shikoh had failed initially. Please. Okay, so this is the question. So, Aurangzeb, why did you fall? देखो लीडर था आपको और लीडर के अंदर कुछ ना कुछ तो खूबियाँ होती हैं तो एक बार कांधार जो है हमने पूरी तरीके से हार तो दारा शिकोह को भेजा गया दारा शिकोह जो है वो वापस आ गए अब दारा शिकोह के बारे में ये कहा जाता था कि उन्होंने जो है कलम से जो है यारी कर ली तो अब जो है वो जंग से जो है वो जंग में उनका कुछ हो नहीं सकता था वो कोशिश बहुत करते थे कि जो है वो जंग में जो हमने जौहर दिखाए पर उनसे कुछ होता नहीं था कंधार को जो है वो ईरानियों को सौंप कर जो है वापस आ गए अब औरंगजेब को जो है वहाँ भेजा गया इसके पीछे भी जो है ये कहा जाता है कि ये सियासत थी कि औरंगजेब को वहाँ भेजा जाए और औरंगजेब जब वहाँ से हार कर आ जाए तब उनका जो है सर जो है शर्मिंदगी से झुक जाए क्या रोशन आरा बेगम ने बहुत चाहा कि उनको जो है उस मुहिम पर ना भेजा जाए अब औरंगजेब जो है वहाँ गए उन्होंने पूरे सिचुएशन का जो है वो मुआयना किया और फिर उसके बाद जो है जंग शुरू हुई शाम का वक्त था और औरंगजेब ने देखा कि उसका एक एक सिपह सालार जो है वो नीचे गिरना शुरू हो गया और वो जंग हारने वाले तभी औरंगजेब अपने घोड़े से उतरा घोड़े के नीचे से उसने कपड़ा निकाला और उसको बिछा कर जो है उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया तो जो ईरानी सिपाही थे और जो सिपह सालार थे उन्होंने जब औरंगजेब को देखा तो वो भागने लगे तो जो ईरानियों का सेनापति था वो आया उसने पूछा कि ये पकड़ कैसी है तब उसने जो सिपाहियों ने बताया कि शहजादा औरंगजेब मैदान जंग में नमाज पढ़ रहे तो सेनापति जैसे ही उसको आया उसने देखा तो शायद ये हो सकता है कि पीछे सूरज था तो उसके पीछे से बहुत सारे मतलब जो है वो नूर निकल रहा था तो सेनापति ने देखा कि उसके चेहरे के पीछे बहुत सारा नूर है और उसने ये ऐलान किया कि इस शहजादे से लड़ना मतलब कयामत को दावत देना अगर हम इससे लड़े तो ये मैदान करबला हो जाए करबला की बैटल हुई थी बहुत साल पहले इससे बेहतर है कि हम मैदान छोड़कर चले जाएँ और फिर धीरे 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 ईरानी जो सिपाही थे वो मैदान छोड़कर चले गए और औरंगजेब जो है इस तरीके से उस जंग को जीत गया ऐसा नहीं था कि ही वाज टू रिलीजियस के नहीं भैया मैदानी जंग में नमाज पढ़नी है पर नहीं उसने जो है यह उसने वो ट्रिक खेली थी और वो इसमें कामयाब हुआ और फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया की जितने ताज और जितनी तलवारें थी वो सब औरंगजेब के कदमों में झुक गई और तभी से जो है औरंगजेब इतना मशहूर हो गया और फिर उसके बाद औरंगजेब पूरे लाओ लश्कर के साथ जो है वापस आगरा आया और फिर से औरंगजेब जब वो आगे बढ़ा वो शान और शौकत के साथ तो कभी पीछे नहीं आया तो आकाश हम अभी इसमें वाइंड अप करेंगे एंड थैंक यू गाइस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ आप लोग से पूछ सकते हैं देखिए बैठक ऐसी होती है जिसमें पूरा टाइम हम नहीं बोल सकते आप लोगों को भी कंट्रीब्यूट करना होता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछने होते हैं और एक डिस्कशन होता है आप लोगों के अपने व्यूज़ होते हैं कहीं ना कहीं और हम एक पॉइंट पे ले जाके डिस्कशन को छोड़ देते हैं ताकि एक पेज जो है वो आप लोगों के सामने तैयार हो आप जो पेज मैंने तैयार किया उसमें कहीं कमी अगर रह गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ वो क्या है